नामांकन करने के लिए शोपाल सिंह रवाना। पूजा पाठ करने के बाद नामांकन के लिए निकले चाचा। परिवार के लोग भी चाचा के काफिले में शामिल। आज शोपाल सिंह जसवंत नगर में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। देखिए क्यों खास है चाचा के लिए जसवंत नगर सीट। देखिए क्या कहते हैं सीट के मौजूदा सियासी समीकरण। सपा जहां उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, तो वहीं सपा की तरफ से घोषित उम्मीदवार अब नामांकन में ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, वहीं सियासी रसूख और शक्ति प्रदर्शन का भी ख्याल रखा जा रहा है। आज अखिलेश यादव के चाचा शोपाल सिंह यादव जसवंत नगर विधानसभा से अपना नामांकन करने के लिए रवाना हुए हैं, जिनके साथ में गाड़ियों का लंबा काफिला भी देखने को मिला। हालांकि इस मौके पर शोपाल सिंह यादव ने कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया। नामांकन पर जाने से पहले चाचा शोपाल सिंह यादव ने सैफई के SS मेमोरियल स्कूल में पूजन किया और उसके बाद परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, बड़ों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और शोपाल सिंह के बेटे आदित्य यादव, इसके अलावा इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शोपाल सिंह यादव जसवंत नगर से अब तक 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये सीट मुलायम परिवार का गढ़ मानी जाती है। खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव यहां से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। शोपाल सिंह यादव की माने तो बीजेपी से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। अब जनता ने बीजेपी सरकार को हटाने का और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना लिया है। शोपाल सिंह यादव ने इस मौके पर कहा कि सपा गठबंधन इस बार प्रदेश में सरकार बनाएगा और जहां जहां हमारा गठबंधन है वहां पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और गठबंधन के सुखद नतीजे निकल कर सामने आएंगे। इस मौके पर शोपाल सिंह यादव ने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो सपा छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। शोपाल सिंह यादव ने कहा कि जो गए हैं उनके जाने से पार्टी पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ने वाला। प्रदेश की सत्ता में अगर कोई काबिज होगा तो वो सपा है और CM बनेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।